नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम स्टेयर की स्कर्टिंग लगाएंगे। स्कर्टिंग जो हम लगाएंगे वो बिल्कुल एक ही पीस में लगाएंगे। ये हमारे पास ग्रेनाइट का 8.5 से 9 फीट के करीब लेंथ है हमारी इसकी, तो हम पूरा का पूरा कट कर लिया है ग्रेनाइट के पूरे बड़े पीस में से। और अब इसी में से हम स्कर्टिंग जो है कटिंग करके लगाएंगे। पहले हम जो एक एक टुकड़ा अलग अलग लगाते थे, तो अब देख पा रहे होंगे कि हम एक ही पीस में से पूरे स्टेयर का स्कर्टिंग लगा देंगे। और अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वह हमें जो गोला बनाया हुआ है उसको कट करना होगा। जितना हमारा मोटाई का अपना 16-17 mm जितना भी पत्थर मोटाई में हमारा होता है, और 2 से 3 mm हम पीछे जो मटेरियल यूज करेंगे उतना ही हम खाँचा इस पर कटिंग कर लेंगे। ये आप देखिए, तो इस तरह से हर स्टेप पर हम खाँचा कट कर लेंगे मोल्डिंग का, ताकि ये जो पत्थर है ये अच्छे से फिट हो पाए। इस तरह से हमने राइजर तक इसको कट कर लिया है मोल्डिंग को हर स्टेप में। और हमारा जो अगला पॉइंट है वह राइजर से राइजर हम इसकी फरमाइश निकालेंगे कि कितना चौड़ा हमारा स्टेप है। राइजर से राइजर फरमाइश निकालने के बाद में हम इस तरह से मार्किंग कर देंगे हर स्टेप पर। पहले इस तरह से मार्किंग कर देंगे, और मार्किंग करने के लिए आप ये वैक्स कलर है, ये देखिए इस तरह से ये वैक्स कलर आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम जब कटिंग करते हैं तो यह धुलता नहीं है ये वैक्स कलर जो है। और अब हमने जो राइजर से राइजर जो पमाइश ली थी उसी तरह राइजर से हम इस पर मार्क कर लेंगे। मार्क करने के लिए आप गुनिये का इस्तेमाल कीजिए ताकि परफेक्ट कटिंग हो पाए। हमने टाइल का गुनिया बनाया हुआ है, तो इस तरह से आप हर स्टेप का मार्किंग करते चले जाएंगे। बिल्कुल ही आसान तरीका है दोस्तों ये, और इससे हम जो वर्क पूरा कंप्लीट करेंगे कटिंग करके, आप देखेंगे कि बहुत ही सुंदर लगेगा ये। और ये अब पूरा मार्किंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमने प्रॉपरली जो मार्किंग की है उसी पर हमें कटिंग करना होगा बिल्कुल ही। अगर हमने थोड़ा सा भी कटिंग ऊपर नीचे कर दिया तो वो लूज दिखेगा। आपको मेन पॉइंट जो यही ध्यान रखना है, जो हमने कटिंग करनी है वो बिल्कुल ही प्रॉपरली ही करनी है, जो निशान हमारा मार्किंग आया है। थोड़ा सा हमें सावधानी रखनी होगी कि ये बीच में से क्रैक ना हो जाए, तो बिल्कुल ही आराम से आपको टाइम लगाकर इस वर्क को पूरा करना होगा। और ये 10 इंची की हमने चौड़ाई ली थी इसकी, ये देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत तैयार होने के बाद में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आपको एक भी ज्वाइंट नज़र नहीं आएगा कि हमने एक पीस में से निकाला है इसीलिए। और आपको अगर इसमें एडहेसिव अग से आप लगाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा, कि हम सीमेंट से जो लगाते हैं वह सीमेंट जल्दी सूख जाता है, तो हो सकता हो करेक्ट ना हो जाए सेटिंग करते हुए। तो हमने इसको एडहेसिव से ही लगाया है, और ऊपर से हमने इसको हाफ पॉलिश कर दिया है हाफ राउंड। तो दोस्तों, आपको किसी भी तरह का कोई पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।
हेलो दोस्तों, तो आपको हमारा जो काम करने का तरीका है, हम नए नए मॉडर्न तरीके से काम करने की टेक्निक लाते रहते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।